औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में बीच आबादी में नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर निर्माणाधीन कंपोस्ट खाद प्लांट पर क्षेत्र की महिलाओं ने विरोध करते हुए कार्य बंद करा दिया। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि इस प्लांट से क्षेत्र के लोगों को बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। झांसी ललितपुर मार्ग पर बिजौली में कंपोस्ट खाद प्लांट पर चल रहे निर्माण कार्य को क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद रोकना पड़ा। जब क्षेत्र की महिलाओं ने कार्य को रोके जाने के लिए हंगामा किया तो मामले की सूचना पाकर थाना प्रेमनगर की बिजौली पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को अपनी बात आला अधिकारियों के सामने रखने की बात कहकर बाहर कर दिया। नाराज क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे से बदबू आएगी, साथ ही उनके बच्चे बीमार होंगे। दुनिया की पूरी बस्ती की कचरा इधर आएगा, लैटरिन आएगी, इधर गंदगी चलेगी, बच्चे बीमार हो गए, मक्खी भी निकले। आज की तारीख में डीएम साहब इधर आने चाहिए ना, तो हम लोग सब भूख हड़ताल कर देंगे। आप लोगों ने क्या किया अभी? आप हम लोगों ने देखा ही उन लोगों से, आप लोग काम बंद कर दो भैया। हाँ, तो जो लोग कह रहे हैं काम बंद नहीं होगा, आप जो दिखा सो कर लेना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो करेंगे, हम लोग वही बैठेंगे, तो हम लोग मजदूरों को परेशान करेंगे। दरअसल थाना प्रेमनगर के बिजौली सैयर मार्ग पर स्थित शमशान घाट के अंदर खाली पड़ी भूमि नगर निगम के माध्यम से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सीवर टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम इंदौर की कंपनी पूना प्रो प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ये कंपनी लगभग एक माह से भी ज्यादा समय से उक्त निर्माण कर रही है। कंपनी के ठेकेदार नवीन गुप्ता के अनुसार जो प्लांट खाद का लगाने का काम चल रहा है, ये हिंदुस्तान में तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें सीवर कचरा से खाद बनाया जाएगा। इसके साथ ही खाद के बाद जो गंदा पानी निकलेगा उसे फिल्टर कर मछली पालन के कार्य में लिया जाएगा। ठेकेदार ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों को गुमराह किया गया है कि प्लांट लगने के बाद निकलने वाले पानी से बदबू आना शुरू हो जाएगी, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ठेकेदार नवीन गुप्ता ने बताया कि सीवर के कचरा से अभी दो प्लांट लगाए हैं, उनमें सबसे पहला प्लांट लद्दाख में और दूसरा प्लांट बेंगलोर में है, जिसके बाद तीसरा प्लांट झांसी में बनाया जा रहा है। ये कंपोस्ट खाद का इधर प्लांट लग रहा है, खाद बनेगी इधर, और लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ कचरा आएगा, कचरा यहाँ पे डाला जाएगा, गंदगी फैलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कचरा ना डाला जाएगा ना कुछ होगा। वो मशीन भी सब ऐसी लग रही है कि बदबू का नाम ही नहीं होगा सर, इधर सारा मशीनों में ही जाएगा और कोई दिक्कत नहीं उससे, ना ही कोई गंदगी होगी ना कुछ होगा, सब नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अच्छा, किसके आदेश के अनुसार ये हो रहा है और कौन सी कंपनी का काम कर रही है? ये पूना प्रो है करके कंपनी है सर, काम है उनके पास और नगर आयुक्त के उसमें देख रेख में ये सर। ये इस बारे में नगर आयुक्त का भी यही कहना है कि जानकारी के अभाव में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस प्लांट के पानी इत्यादि को फिल्टर किया जाएगा जिससे गंदगी व बदबू नहीं होगी। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट का प्लांट लगाया जा रहा है और इसमें जो शहर में, क्योंकि सीवर यहाँ पर नहीं है, अभी सीवर नहीं है, लक्ष्मीताल में सीवर वहाँ पर प्लांट लग रहा है, तब इसकी दूसरी होगी। तब तक जो निकलता है, जो सेफ्टी टैंक से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए तो मैकेनाइज तरीके से, बदबू वगैरह की बात कोई वहाँ पर नहीं है, मैकेनाइज तरीके से वो यहाँ से जाएगा, टैंकर में जाएगा और उस प्लांट के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा और उससे खाद बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है और न उससे बदबू होगी और न कोई भी बीमारियाँ फैलेंगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और ट्रीटमेंट होने के बाद बेस्ट जो सॉलिड है वो अलग हो जाएगा, उसकी खाद बन जाएगी और साफ पानी अलग चला जाएगा, बदबू नहीं होगा उसकी। तो ये उनको अवगत कराया जाएगी, ये पोजिशन है और काम तो रुकने का कोई प्रश्न नहीं है, सरकारी काम है और पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। नहीं, क्या करते हैं लोग और क्या लोग ये करते हैं कि जैसे ये घर का जो निकाला है इन्होंने, सेफ्टी टैंक का जो बेस्ट निकाला, तो वो कहीं खुले में डाल देते हैं, किनारे सड़क डाल देते हैं, उससे गंदगी होती है, वास्तव में गंदगी होती है। ये उसका वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। इस प्लांट से लोगों को परेशानी होगी या क्षेत्र का विकास, ये भविष्य में तय होगा, लेकिन क्षेत्र के लोग अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कर रहे हैं। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से अमित सोनी की रिपोर्ट।